आप देख रहे हैं ये आप मैप देख रहे हैं, और ये मैप है बीकानेर का, राजस्थान का। और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ बीकाजी की टेकरी। मैं मोती भवन से बीकानेर की टेकरी मुझे जानना है, और आप देख सकते हैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, आप 10-30 मिनट लगेंगे बस, अगर ज़्यादा ट्रैफिक रहा। अगर आप जल्दी से भी निकल जाते हो तो आगे में वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, और मतलब ज़्यादा बड़ा ट्रैफिक रहा आधा घंटा भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा वो ट्रैफिक रह जाता है। वहाँ पे बीच में एक वो भी आता है रेलवे फाटक के, अगर वो बंद मिलता है तो टाइम वाकई में लग जाता है, नहीं तो आप बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं। और आप देख भी सकते हो आसपास और भी जगह, रामपुरी हवेली भी है और भी ऐसी ऐसी जगह है। लेकिन फ़िलहाल मुझे जहाँ जाना है बीकाजी की टीकरी जाना है, आप देख रहे हो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 23 मिनट लगते हैं अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो। जी की टीकरी बीकानेर शहर का पहला विनम किला है। बीकानेर के केंद्र से इस ऐतिहासिक स्थान की दूरी केवल 3 किलोमीटर है, और एक कार द्वारा वहां पहुंचने में केवल 10 से 14 मिनट का समय लगेगा, और आप ऑटो से भी जा सकते हैं। ये शहर के बाहर पुराने महल के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। इतिहास के अनुसार राव बीका बीकानेर के संस्थापक थे। उन्होंने अपने पिता के क्षेत्र जोधपुर को छोड़ दिया, बीकानेर के जंगली क्षेत्रों में अपना खुद का क्षेत्र बना लिया। इसे अब बीकाजी की टीकरी के नाम से जाना जाता है। ये करीब 500 साल पुराना है। इसमें शाही छतरी या छतरियां हैं जो बीकानेर के शासकों को बनाने के लिए बनाई गई थी। राव बीका की छतरी संगमरमर से बनी है, जबकि अन्य छतरियां लाल बलुआ पत्थर या दुलमेरा पत्थर से बनी है। परिसर में अन्य इमारतें पत्थर की सिंचाई से बनी हुई है, और कुछ पर प्लास्टर किया गया है और अन्य को केवल सफ़ेद धोया गया है। बीकानेर के इस पुराने ऐतिहासिक स्थान में बेसमेंट में बहुत सारे कमरे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक पहेली की तरह हैं। देश के अधिकांश पश्चिम विभाग भाग में होने के कारण बीकानेर पूरे वर्ष चरम मौसम की स्थिति का अनुभव करता है। गर्मी में यह बहुत गर्म और आर्द्र होता है, तापमान 46 से 38 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो काफ़ी उपयुक्त नहीं है। लेकिन सर्दियों में यानी अक्टूबर से मार्च तक ये बहुत ठंडा रहता है। सर्दियों में तापमान सामान्य रूप से 4 से 22 डिग्री के आसपास रहता है। इस प्रकार इस जगह की यात्रा के लिए सर्दियां सबसे पसंदीदा समय है। परिवार और दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए मौसम काफ़ी सुखद और ठंडा है। वास्तुकला और इतिहास प्रेमियों को ये जगह वाकई में खूबसूरत लगती है। ये स्थान विशाल ऐतिहासिक महत्व का है, साक्ष्य से भरा है, जो इस समय के रीति रिवाजों और विश्वासों में अंतरिक्ष प्रदान करता है। विशेष रूप से जीवन के दर्शन और मृत्यु की घटना के समझ के बारे में ये जगह पर्यटकों के बीच कम प्रसिद्ध है, इसलिए शायद ही कोई भीड़ भाड़ वाला दिन हो कोई भी परिवार या और दोस्त के साथ खुलकर आनंद ले सकते हैं। यहाँ खुलने और बंद होने का कोई निश्चित समय नहीं, हालांकि इस जगह की यात्रा करने का अनुशंसित समय दोपहर में है। टेकरी में कई सीढ़ियाँ हैं, इसलिए सभी को भरपूर पानी ले जाना चाहिए। परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ 2-3 घंटे बिताने की उम्मीद है। यहाँ ऐसा कोई प्रवेश शुल्क लागू नहीं है। बीकानेर के शासकों के स्मारकों का ये संग्रह जो अपने शांत स्थापित सौंदर्य में अद्वितीय है, पर्यटकों को इस जगह की यात्रा करने की सलाह दी जाती है। बीकानेर शहर में पर्यटकों को विकसित करने के लिए एक बार फिर पुराने शहर में पूरा महत्व के स्थानों को संवारने का प्रयास किया जाएगा। शहरी परकोटे के पांचों ऐतिहासिक गेट के साथ ही बीकाजी की टेकरी नामक उस स्थान को भी संवारा जाएगा जहाँ कभी राव बीका ने सबसे पहले पहुंचकर शहर की स्थापना की थी। बात है विरासत का खजाना, इसकी विरासत है जो विरासत को बताती है। संस्कृत शब्द का प्रयोग कभी कभी उच्चतम बौद्धिक प्रयासों पूर्णता और सुंदरता की खोज के लिए किया जाता है। संस्कृत दुनिया में सोचा और जानने जाने वाला सबसे अच्छा है। जब हम आमतौर पर संस्कृत को किसी विशेष समाज समूह स्थान
समय के विश्वासों, रीति रिवाजों, भाषा और किलाओं और साझा मूल और पारंपरिक और रीति रिवाजों के लिए प्रतीकों और अभिव्यक्ति के बारे में सोचते हैं। सांस्कृतिक विरासत को आमतौर पर निर्मित विरासत, संस्कृति से संबंधित स्मारकों जैसे संग्रहालय, धार्मिक भवनों, प्राचीन संरचनों, स्थानों के मूल में साझा जाता है। हालांकि हमें सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसी भी स्थान को थोड़ी कम भौतिक चीज़ों अर्थात कहानियों, कविताओं, नाटक, व्यंजन, रीति रिवाज, फैशन, डिजाइन, संगीत, गीतों और समारोहों को भी शामिल करना चाहिए। ये एक सांस्कृतिक की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है और उतनी ही महत्वपूर्ण है। समाज ने लंबे समय से अपने सांस्कृतिक विरासत की रक्षा संरक्षण की मांग की है। शिक्षा से लेकर ऐतिहासिक शोध तक पहचान की भावना को सुदृढ़ करने की इच्छा के लिए कारण है। सांस्कृतिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत सभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इमारतें, स्मारक और संस्कृति के प्रतीक जो साझा जुड़ों की बातें करते हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। तदनुसार वे हिंसक और दमनकारी कार्रवाई का लक्ष्य बन जाते हैं जो दुश्मनों द्वारा मूल्यवान प्रतीकों और वैकल्पिक विश्वासों और परंपराओं से जुड़ी प्रतिमाओं को नष्ट करना चाहते हैं। बीकानेर शहर के परकोटे में प्रवेश करने के लिए गो गेट, सजूत गेट, नथुर गेट, शीतला गेट और गोट गेट के मुख्य रास्ते थे। इन सभी का सौंदर्यकरण भी किया जाएगा। उनके पूरा महत्व को सुरक्षित रखते हुए गेट की मरम्मत की योजना को स्वीकृति दी गई, जिनमें 5 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान रखा गया था। वहीं बीकाजी की टीकरी पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। बीकाजी टीकरी के मुख्य स्मारक की दीवारों को ठीक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्लास्टर को ही सही किया जाएगा और उनके अलावा मुख्य स्मारक की संरचना को केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ रंग रोगन भी किया जाएगा जो ताकि पर्यटकों के बीच आकर्षण बढ़ जाए। क्या है बीकाजी की टीकरी? शहर के लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास स्थित बीकाजी की टीकरी वो जगह है जहाँ राव बीकाजी पहली बार रुके थे। बीकानेर शहर की स्थापना से पहले उन्होंने यही रुककर कार्य योजना बनाई थी। माना जाता है इसी जगह पर बीकानेर की नींव रखी गई थी। बीकानेर में बीकाजी टीकरी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। यहाँ एक तरफ राजस्थान की पुराने किले और हवेली अपनी स्थापना कला के लिए जाने जाते हैं, वहीं संरचना के अभाव में बीकाजी की टीकरी खंडर में तब्दील होती जा रही है। राजस्थान के पुराने किले और हवेली देश में नहीं विदेश में भी अपनी स्थापना कला के लिए जानी जाती है। इन्हें देखने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन इस प्राचीन धरोहर के रखरखाव की बहाल अवस्था की जीता जागता बीकाजी की टीकरी का उदाहरण है, जिनको बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी द्वारा बनाया गया था। 1968 में संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल ये 16वीं शताब्दी का स्मारक आज उपेक्षा और विभागीय उदासीनता के चलते खंडर में तब्दील होने लगा है। बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी के इस ऐतिहासिक स्मारक के भीतर स्थित है। ऐतिहासिक इमारत खंडर में तब्दील, प्राचीन स्मारक व इमारत हमें उस समय की कला और हमें वैभवशीलता इतिहास के साक्ष्य के रूप में देखने का मौका देता है। लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई स्मारक है जो संरक्षित सूची में होने के बावजूद भी उपेक्षा का शिकार होने का कारण अपना पुरातत्व वैभव खो रही है? बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी की टीकरी जो संरक्षित सूची में शामिल होने के बाद भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। स्थानीय निवासी रहते ही बीकानेर 20 वर्ष पहले थोड़ा बहुत रंग रोगन हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में राजनीतिक सशक्तिकरण के अभाव और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते ये ऐतिहासिक इमारत एक खंडर में तब्दील होने की कगार पे है। बीकाजी की टीकरी कहने को तो संरक्षित सूची में है, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सूची में होने के 52 साल बाद
तक न तो पानी की सुविधा है न ही बिजली की सुविधा। यहाँ यही नहीं, चारों तरफ की दीवारें भी दरारें आने लगी है। हालात ये हैं कि दीवारें हवा का तेज झोंका भी बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी हमारे वैभवशाली इतिहास की और कैसे जा पाएंगे। वहीं बीकानेर में पुरातत्व विभाग के उन्होंने कहा, जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने बीकाजी की टीकरी हमारी संरक्षित सूची में शामिल है इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमें इसके जो टूटता जा रहा है को लेकर सरकार को बजट का प्रस्ताव भेजा है। वहीं लाइट पानी जैसी मूलभूत सुविधा पर कन्नी काटते हुए कहा, ये निगम के आधार क्षेत्र का विषय है। इस ऐसे में अधिकारी का इस तरह का बयान विभाग के उदासीनता को दर्शाता है। सैलानियों से दूर ऐतिहासिक गढ़ बीकाजी की टीकरी बन जाती है और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। राव बीकाजी की टीकरी आज भी पर्यटकों से दूर है। दूमेरा और संगमरमर के पत्थरों से बने इस ऐतिहासिक गढ़ से सैलानी नहीं जुड़ पाए। हालांकि टीकरी के नज़दीक भंडासारा जैन मंदिर में बड़ी संख्या में देश विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन टीकरी की ओर उनका रुख नहीं हो सकता। जबकि बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी के टीकरी संस्थापक कला को बेहतरीन नमूना है। टीकरी का रखरखाव पुरातत्व विभाग की ओर किया जाता है। बीकाजी के टीकरी को लेकर देश विदेश में अधिकार प्रचार प्रसार नहीं किया गया जाता। पर्यटक विभाग की वेबसाइट में भी इस स्थल का जिक्र नहीं है। बीकाजी की टीकरी खुलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही है। पहले होली व अन्य अवसरों पर लोग टीकरी परिसर में एकत्रित होते थे। राव बीकाजी की टीकरी की वेबसाइट हेरिटेज स्टाइल में भी की गई है। इसमें लोग पौराणिक दरवाजे, गुट मेठिया मेहरान, शिलालेख, सदियों पुराने बीकाजी की छवि के साक्षात करवाते हैं। टीकरी के अंदर दूर तक परिसर शांत मन को सुखन प्रदान देती है और वर्तमान में टीकरी का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रचार किए जाने की आवश्यकता है। राव बीकाजी की टीकरी की सांझ ढलते ही अंधेरिया रहने लगता है। यहाँ रोशनी की व्यवस्था नहीं है, न ही पीने के पानी के लिए कनेक्शन। इसके चलते शाम होते ही टीकरी परिसर में अंधेरा हो जाता है, जबकि रात्रि के समय इनके मुख्य परिसर में रोशनी की जा सकती है। पुरातत्व विभाग की ओर से यहाँ सफाई अभियान चलाया गया था, लेकिन इसके बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है। इस डॉक्यूमेंट में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा कंटेंट को तो इसे लाइक करें और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं।